हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ साइलेंट में। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांक के नियम है उसे हमें सीखने होंगे, तभी ये सारे क्वेश्चन हम इजीली बना सकेंगे। तो चलिए सीखते हैं। पहला जो रूल है वो यहाँ पे मैंने रूल को यहाँ पे लिख लिया है, मैं अच्छी तरह से इन सारे रूल को एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे पहला है ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एन प्लस एन होती है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है अगर कोई दो वैल्यू आपको दी गई है उनके अगर बेस सेम है और पावर अगर अलग अलग है और वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये जो डॉट है इसका मतलब जो है मल्टीप्लीकेशन होती है, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, गुणे के फॉर्म में है। तो जब ऐसा होता है तो इन दोनों बेस के बदले हम एक बेस लिखते हैं और पावर को यहाँ पे ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसा कि एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे बेस को सेम लिया है और यहाँ पे पावर यहाँ पे दिख रहे हैं 3 और 5 है, तो ये दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, बेस सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 प्लस 5 हो गई और फाइनली हमें 2 टू दी पावर 8 मिली है, 2 के घात 8। दूसरा है इसी का, ये जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में थी इसका हमें डिवाइड के फॉर्म में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ फिर से दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पे ये डिवाइड के फॉर्म में है तो ये दोनों पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं यहाँ का दोनों का बेस सेम है 5 5 और पावर यहाँ के 7 और 3 है, तो इन दोनों एक्सपोनेंट के बीच जो है सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन होगा, तो फाइनली हमें 5 टू दी पावर 4 मिलेगी। तो इस तरह से ये सॉल्व होंगे। अगला एग्जाम्पल में अगला जो रूल है वो ए टू दी पावर एम फिर होल टू दी पावर एन है, यानी यहाँ पे एक वैल्यू पे पावर है उसके होल पे भी पावर हमें दी गई है, तो ये दोनों जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस जो होगी वो हम इसे लिखेंगे और दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एम इंटू एन। एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह से समझेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बेस यहाँ पे 5 है, इसका पावर 2 है, फिर इन सारे के पावर 3 है, तो ये दोनों पावर 2 और 3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फाइनली हमें 5 टू दी पावर 6 मिलेगी। अगला जो रूल है वो है ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस चेंज हो गई, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी है, बट यहाँ पे पावर दोनों का सेम है। तो ये रूल कैसे सॉल्व होगी, तो यहाँ पे जो दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है डॉट यानी मल्टीप्लाई और दोनों बेस अलग अलग है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगी और ये दोनों पावर जो सेम पावर है उसके बदले हम एक सिंगल पावर यूज करेंगे। एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 टू दी पावर 3 9 टू दी पावर 3 इंटू के फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस 7 और 9 है, दोनों अलग अलग बेस है बट पावर इनका सेम है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 इंटू 9 और इन दोनों पावर के बदले हम एक पावर यूज करेंगे और फाइनली हमें 9 7 63 टू दी पावर 3 मिलेगी। अगला जो रूल है वो इसी का डिवाइड के फॉर्म का है, यहाँ पे बेस दोनों सेम है, पावर सॉरी बेस यहाँ पे अलग अलग है, पावर सेम है और दोनों डिवाइड के फॉर्म में है, तो दोनों जो बेस डिवाइड के फॉर्म में है वो डिवाइड के फॉर्म में ही रहेगी, दोनों जो सेम पावर है उसके लिए हम एक सिंगल पावर यूज करेंगे। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं 5 और 7 अलग अलग बेस है, दोनों का पावर सेम है तो हम इसे डिवाइड के फॉर्म में है तो इसे हम डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे और दोनों पावर के बदले हम एक पावर लिख सकते हैं। ये इधर से भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, कई कई क्वेश्चन में हमें इधर से इधर भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो अगर कोई वैल्यू इस फॉर्म में है तो उसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a बाई b टू दी होल पावर m के फॉर्म में है तो ये पावर हम इसे भी दे सकते हैं, ये पावर हम इसे भी दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं a को भी ये पावर मिली है b को भी, तो हम ऐसे भी फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये
सारे के लिए ये सही है। अगर कोई वैल्यू इस फॉर्म में लिखी गई है तो उसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लेंगे कि ये यहाँ पे माइनस है, यानी ये डिवाइड के फॉर्म में लिखी जाएगी, तो a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n। अगला जो रूल है 6, वो यहाँ पे देख सकते हैं a टू दी पावर माइनस n। अगर कोई वैल्यू है उसका अगर एक्सपोनेंट माइनस में है, नेगेटिव है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस नेगेटिव को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो इसे हम 1 बाई ए टू दी पावर एन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसे हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, यानी व्युत्क्रम इसका कर देंगे। हम जानते हैं कि इसके नीचे 1 होंगे, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 ऊपर और ये सारी वैल्यू नीचे आ जाएगी, बट ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 टू दी पावर माइनस 3 है, तो ये नीचे आके क्या हो गई है, 7 टू दी पावर प्लस 3। तो ये रहा सारा रूल। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगी। तो पहला नंबर में लिखा है फाइंड, यानी हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 64 टू दी पावर 1/2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दी रहेगी उसे आपको जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखनी है। तो 64 को अगर हम देखें तो 64 को हम 8 के बेस पे 8 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, 4 के बेस पे 4 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, या 2 के बेस पे 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। ये सारा ही नंबर जो है 64 ही है, आप इसे निकाल के देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये 2 दी गई है, तो हम 2 बेस वाले नंबर को यूज करेंगे, यानी 64 को हम 8 टू दी पावर 2 के फॉर्म में लिखेंगे और उस पर जो पावर दी गई है 1/2 उसे भी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। पावर पे पावर कोई वैल्यू हो तो वो m इंटू n हो जाती है, तो यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 8 टू दी पावर फाइनली हमें जो है 2 इंटू 1/2 होगी, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होके 8 टू दी पावर 1, और 8 टू दी पावर 1 का मतलब सिर्फ 8 ही होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर क्वेश्चन ही है, हमें 32 पे पावर दी गई है 1/5, तो इस 32 को हम अगर 2 का बेस में तोड़े तो हमें 2 टू दी पावर 5 मिलेगी, और उस पे पावर 1/5 दी गई, फिर सेम आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगी, और ये दोनों कैंसिल होके 2 टू पावर 1 बचेगी, और 1 का मतलब सिर्फ 2 ही होगा आंसर हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 125 टू दी पावर 1/3 दी गई है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इजी है, और कमेंट में हमें आंसर लिखना मत भूलिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इन्हीं सारे रूल पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। पहला है 9 टू दी पावर 3/2 को हमें सॉल्व करनी है। तो फिर से यहाँ पे इस 9 को हमें जो है एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना होगा पावर के रूप में, तो हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 9 को, और फिर उस पर पावर हमें दी गई है 3/2। फिर पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी, तो ये पावर निकल के बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, और फाइनली ये 2 कट जाएगी और हमें 3 टू दी पावर 3 मिलेगी। तो 3 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है 32 पे पावर हमें मिली है 2/5, इसे सॉल्व करनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 32 को हम 2 टू दी पावर 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उस पर हमें पावर दी गई है 2/5, तो फिर से पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी 5 इंटू 2/5, फाइनली ये दोनों कैंसिल होकर हमें 2 टू दी पावर 2 मिलेगी, तो इसका आंसर जो है 4 होगा।
उसके बाद के दो क्वेश्चन आप बनाइएगा। नहीं चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में नेगेटिव पावर दी गई है, इसे मैं सॉल्व कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करके हमें जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 125 पे पावर मिली है माइनस में 1/3। तो हम जानते हैं कि 125 को हम 5 के बेस में 5^3 लिख सकते हैं। 5 × 5 × 5 25 होती है और उस पर हमें पावर मिली है माइनस में 1/3। फिर पावर पे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 है तो 3 × −1/3 ये दोनों आपस में कैंसिल होके हमें 5^-1 मिलेगी। अब इस -1 है, अगर इसे हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो देख सकते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट को नीचे आके ये पॉजिटिव बनाती है, तो यहाँ हम वही रूल अप्लाई करेंगे तो ये फाइनली नीचे आके 5^+1 हो जाएगी, -1 से +1 हो जाएगी और फाइनली हमें 1/5 आंसर मिलेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है ये हमें 2 के बेस पे 2^2/3 मिली है इंटू 2^1/5 दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, दोनों बेस यहाँ पे सेम है इंटू के फॉर्म में, तो ये इनके एक्सपोनेंट जो है पावर ऐड होके सॉल्व होंगे। तो यहाँ इन दोनों बेस के बदले एक बेस लिखेंगे और ये जो एक्सपोनेंट है उसे हम प्लस के फॉर्म में लिखेंगे 1/5। अब हम यहाँ पे रैशनल नंबर का जोड़ किया जाएगा, भिन्न का जोड़, तो ये कैसे सॉल्व होती है, एलसीएम लेके तो 3 और 5 के एलसीएम मल्टीप्लाई होके 15 बनाएगी। 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 5 times, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, यहाँ 5 से इसमें डिवाइड 3 times, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो फाइनली हमें 2^2, इन दोनों को ऐड करेंगे 13/15 मिलेगी। तो ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दी गई है, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, 1/3^3 की होल 2^7 ये हमें दी गई है। तो ये जो पावर है ये होल पर पावर है, यानी सारे के लिए पावर है, तो ये पावर हम इसको भी दे सकते हैं, इससे भी दे सकते हैं इस रूल्स के अकॉर्डिंग। ये पूरे पे पावर है तो ये पावर इसे भी मिल सकती है, इसे भी मिल सकती है, तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। इस 7 को 1 के लिए भी देंगे पावर और इस जो 3^3 है इसे भी 7 मिलेगी, तो पावर पे पावर मिल रही है तो मल्टीप्लाई होगी, तो 3^3 × 7 हो जाएगी। तो फाइनली हमें 1^7 की वैल्यू 1 ही मिलेगी और नीचे हमें 3^21 मिलेगी। अब अगर इसे आप नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अगर कोई पॉजिटिव एक्सपोनेंट है उसे हम ऊपर ले जाते हैं तो नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ जाती है, नेगेटिव पावर के फॉर्म में आ जाती है, तो इसे हम 3^2, ये जो पॉजिटिव 21 है वो इस तरह से हम नेगेटिव 21 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है, इसे भी आंसर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 11 बेस पे 1/2 मिली है और डिवाइड के फॉर्म में ये है, फिर से 11 बेस पे 1/4 पावर मिली है। तो यहाँ पे हम रूल नंबर 2 को अप्लाई करेंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों एक्सपोनेंट के बीच जो है सब्ट्रैक्शन किया जाएगा, हटाया जाएगा, तो यहाँ पे दोनों बेस के बदले एक बेस लिखेंगे और ये जो दो एक्सपोनेंट है 1/2 − 1/4 हम इसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से एलसीएम लेके इन दोनों का एलसीएम 4 होगा, 4 से 2 में डिवाइड करेंगे, 2 से 4 में तो 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली 2, यहाँ पे सेम है तो 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो फाइनली हमें 11^1
वन बाई फोर मिलेगी। ये क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें सेवन टू दी पावर वन बाई टू इंटू एट टू दी पावर वन बाई टू दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर फोर रूल नंबर फोर पे दी गई। यहाँ पे दोनों के जो बेस हैं अलग अलग हैं, यहाँ पे भी अलग अलग हैं और पावर यहाँ पे सेम, तो यहाँ पे भी पावर सेम है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और दोनों पावर के बदले एक सिंगल पावर यूज करेंगे तो ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होकर सेवन इंटू एट हो जाएगी और ये दो पावर के बदले एक सिंगल पावर यूज करेंगे तो फाइनली ये मल्टीप्लाई होकर 56 टू द पावर 1 बाय 2 मिलेगी जो कि हमारी आंसर होगी। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।